कल 3 बजे से, कल 3 बजे से लेटे नहीं है, ठीक है, आज मजा आ रहा है। हाँ बहुत, कल 3 बजे से लेटे। अभी ऐसा है होटल, बहुत अच्छा रूम है और वॉक अराउंड देता हूँ मैं थोड़ा सा, बाद में तो मिलते हैं बाद में। तो कुछ ऐसा है हमारा गाइस रूम, नेपाली नंबर प्लेट देखो, बाइक में कुछ डिफरेंस नहीं है बट नंबर प्लेट। तो हेलो गाइस, तो आज हम है ना बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे है, यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जैसे कि लुम्बिनी में। जैसे कि पहले नहीं, अभी भी कई महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है कि जब भी कोई विमेन को बर्थ होता है ना, तो वो अपने मायके चली जाती है, मतलब अपने मम्मी पापा के घर पे। तो वो भी उनकी जो मम्मा थी, मतलब मदर थी, महामाया, तो वो भी अपने घर पे जा रही थी, बट वो यहाँ पे उनका मतलब अचानक से यहाँ पे ही बर्थ हो गया, फिर तो उस जन्म हो गया। तो उसके लिए जितने भी अपने वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, जो भी बुद्धिज़्म को मानती है, फिर बुद्धा को फॉलो करती है, उन्होंने क्या किया है लुम्बिनी में अपने अपने अलग अलग क्या बोलेंगे टेम्पल्स या फिर मोनेटरीज कुछ से बोलते हैं इनको, वो बनाया है बहुत अच्छे और बहुत ही ज्यादा सुंदर बना है। हर एक कंट्री ने बनाया, हर एक कंट्री ने मतलब जिनके भी वो थे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया ने तक बनाया। तो आइए देखते हैं हर एक कंट्री का अलग अलग टेम्पल। गाइस ये है नेपाल का बनाया हुआ, अलग अलग कंट्रीज में, बहुत मस्त है, बहुत मस्त, बहुत मतलब सही मजा आ जाता है। ये है फ्रांस का मॉनेस्ट्री, चलते अंदर। गाइस ये है फ्रांस का मॉनेस्ट्री, बैक साइड में भी है, काफी काफी अच्छा है, बहुत मस्त, अलग ही वाइब है इधर का। गाइस ये है जर्मन कंट्री ने बनाया हुआ, सारे कंट्री का अपना अपना अलग ही मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर और ये सब है। चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे पूरा छत पे प्रिंटिंग किया गया है, बहुत सही, अलग अलग इसके गौतम बुद्ध का फोटोज है उन्होंने ना, बहुत। Thank you.
अभी चलते हैं मेन सिंगापुर टेंपल, जो मोनेस्ट्री बोला जाता है इस साइड से, और यहाँ से मेन एंट्रेंस। और ये अपना तोली। हाँ ये वियतनाम का मॉनेस्ट्री है, ये भी काफी अच्छा है। हाँ बट अभी आप बोल रहे कोरोना के तरफ से तब से खुला ही नहीं है। एक क्यूट सा कैफे है यहाँ पे, बहुत सही। एक वाटर ब्रेक के लिए रुके थे सब लोग, एसी इधर रुके थे। ये स्टैचू है सिद्धार्थ बुद्धा का, मतलब जब वो छोटे थे ना तो उनका नाम था सिद्धार्थ। वैसे मोस्टली बहुत लोग नहीं जानते कि गौतम बुद्ध को उनका रियल नेम, मतलब गौतम बुद्ध का रियल नेम जो है वो है सिद्धार्थ। इधर जा रहे हैं ना, वो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट मॉनेस्ट्री है, जो भी मंदिर है, जो कि माया देवी का है, जो उनकी मम्मा का। उनकी मम्मा उनको बर्थ देने के बाद 7 डेज में उनका डेथ हो गया था। देन फिर उसकी उनकी मौसी ने उन्हें संभाला था। हाँ ये सब है ना 13th century का है, 13। बोटिंग कर लेना अगर यहाँ पे आते लुम्बिनी में तो वर्थ इट है। और हमारे पापा लोग कभी नेपाल आएंगे तो